हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स कंटिन्यू यूनिट 1 डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन एडवांस चैप्टर 3 वर्किंग विद टेम्पलेट्स। बेटा टेम्पलेट्स क्या होती है? टेम्पलेट्स एक प्री डिफाइंड लेआउट है जिसमें आपके थीम, कलर, फॉन्ट स्टाइल, बैकग्राउंड स्टाइल ये सेट होते हैं। आप अपना सिर्फ टेस्ट देके फॉर्मेटिंग फीचर प्रीवियस जो आपकी सेट है उसको यूज करते हुए अपना डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। तो बाय यूजिंग ए टेम्पलेट यू कैन क्विकली क्रिएट ए न्यू डॉक्यूमेंट। अब आपका नया डॉक्यूमेंट बनाना इजी होता है क्योंकि आपके पास फॉर्मेटिंग जो फीचर्स है वो ऑलरेडी सेट की होती है टेम्पलेट्स में। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वॉन्ट टू क्रिएट ए बिजनेस लेटर, जैसे आपने एक बिजनेस लेटर बनाना है तो उसकी आपकी लेटर की टेम्पलेट बनी हुई है। बिजनेस का कंपनी का नेम लेटर हेड पे लिखा हुआ है, कलर स्कीम लगी हुई है, सब लेटर हेड के नीचे आपने अपना टेस्ट डालना है और उसको मॉडिफाई करना। तो ये होती है टेम्पलेट। टेम्पलेट में क्या है कि एक प्री डिफाइंड जो फॉर्मेटिंग फीचर है वो सेट की होती है। आप उस फीचर को यूज करते हुए अपना टेस्ट टाइप करके डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। तो ये टेम्पलेट से हम काम कैसे करते हैं बेटा, ये प्रैक्टिकल सीखेंगे। आप फाइल में जाके फाइल यहां पे न्यू ऑप्शन आती है आपके पास। बेटा न्यू ऑप्शन में ब्लैंक कि आप अपने टैम्पलेट बनाना चाहते हैं, यहां से सर्च फॉर ऑनलाइन टैम्पलेट, आप किसी ऑनलाइन टैम्पलेट को चूज करना चाहते हैं या यहां पे डिफरेंट टैम्पलेट जो बनी हुई है उनमें से कोई लेटर आप चूज करना चाहते हैं। जैसे मैंने फॉर एग्जांपल ये मॉडर्न या ये ब्लू ग्रे कवर लेटर ले लिया, इस पे क्लिक करेंगे, यहां पे जाके क्या करेंगे, क्रिएट। क्रिएट करते ही ये टेम्पलेट जो आपकी बनी हुई है ये इस फॉर्मेट में आपके पास आ जाती है। अब आपको यहाँ पे अपना टेस्ट कुछ भी एडिट करके लिख सकते हैं। ये थी आप कोई पहले की टैम्पलेट बनी हुई है और आप उस टैम्पलेट को यूज कर रहे हैं। एक प्री डिफाइंड फॉर्मेट जो आपके पास ऑलरेडी बना हुआ है, आप सिर्फ अपना टेस्ट चेंज करके आप डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हैं। इट मीन्स आपने क्या किया, प्री डिफाइंड टैम्पलेट को यूज किया। दूसरा मेथड, आप अपने टैम्पलेट बनाना चाहते हैं तो आप कैसे करेंगे, फाइल में जाके न्यू, आपने ले लिया ब्लैंक डॉक्यूमेंट, ब्लैंक डॉक्यूमेंट आपने कुछ भी बना लिया अपना फॉर्मेटिंग। अब यहाँ पे आपने कुछ भी टाइप कर दिया और ये फॉर्मेटिंग, जैसे आपने यहाँ पे कलर स्कीम लगा दी फॉर एग्जांपल, कलर स्कीम लगा दी, अपना फॉन्ट का स्टाइल चूज कर दिया, ठीक है। सेकेंड लाइन पे आपने डिफरेंट कलर यूज कर लिए, कोई और कलर यूज कर दिया आपने, उसका साइज ले लिया आपने अकॉर्डिंग, आपने कुछ भी। जब आप इस फाइल को सेव करते हैं तो फाइल सेव ऑप्शन में जाते हैं, इस फाइल को जैसे दिस पीसी में लोकेशन देंगे ना, फाइल को कहाँ सेव कर रहे हैं, दिस पीसी के अंदर डेस्कटॉप पे आप सेव कर रहे हैं फॉर एग्जांपल अपनी फाइल को, तो फाइल का नाम देते हुए यहाँ पे डॉट क्या लगा देंगे, एक्सटेंशन। देखो वर्ड की फाइल की एक्सटेंशन होती है डॉट .docx, तो ये वर्ड का डॉक्यूमेंट बनता है। अब आप क्या बना रहे हैं, इस फाइल को टेम्पलेट बना रहे हैं, तो आप यहां से डाल देंगे वर्ड 97.9.2003 टेम्पलेट और यहां पे एक्सटेंशन क्या डाल देंगे, डॉट डीओ .docx। तो आपकी ये जो फाइल है ये क्या बन जाएगी, एक टेम्पलेट बन जाएगी, आपके पास ये एक प्री डिफाइंड फॉर्मेट बन जाएगी। क्लियर है बेटा, समझ में आ गया आपको टैम्पलेट ऑलरेडी बनी हुई को कैसे यूज करना है।
और आपने नई टैम्पलेट बनानी है तो उसको कैसे यूज करना है, क्लियर है? और किसी टैम्पलेट को आपने ओपन करके, जैसे न्यू, ये आपने फॉर एग्जांपल यहाँ से ये वाली टैम्पलेट ले ली, किसी भी टैम्पलेट को यूज करना है तो कैसे यूज करेंगे, आपकी डाउनलोड हो रही है टैम्पलेट, वर्ड में आ जाएगी वो टैम्पलेट। इसमें बेटा कई बार टाइम लग जाता है क्योंकि प्रीवियस सेटिंग है ना टैम्पलेट्स की। तो बेटा ये देखिए, मैंने एक प्री डिफाइंड टैम्पलेट आपकी वर्ड के डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर ली। तो इस तरह से आप अपने टैम्पलेट भी बना सकते हो, प्री डिफाइंड टैम्पलेट को ऐड भी कर सकते हो। तो ये हमारा चैप्टर था वर्किंग विद टैम्पलेट्स। इसके साथ बेटा इसमें डिस्क्रिप्शन में मैंने इस चैप्टर के पीडीएफ नोट्स भी दिए हैं, आप उनको चेक करना। ओके।